शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा होने जा रही है एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार के बारे में। यहां से आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एग्री कम्युनिटीज़ की, जानेंगे रूपा जी से कि अब एग्री कम्युनिटीज़ में कहां पर कमाई के मौके हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम ग्वार गम ग्वार सीड से। रूपा जी देख रहे हैं ग्वार गम का अप्रैल वायदा 11,100 के ऊपर सस्टेन है और ग्वार सीड का अप्रैल वायदा 6100 के ऊपर। रूपा जी आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं तो क्या ग्वार गम की एक्सपोर्ट डिमांड कुछ निकल सकती है और उससे क्या ग्वार की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, एक्सपेक्टेड तो है कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं और ग्वार की कीमतों को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। और फिलहाल हमने पिछले कुछ दिनों में देखा भी है, मार्केट जो है वो सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है ऊपरी स्तरों पर और लगातार भाव जो है वो थोड़ा सा स्टेबल है। हाजिर मंडियों में जरूर बाजारों के ऊपर गिरावट देखने को मिली है भाव में, लेकिन वायदा के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक्सपेक्टेड है कि आगे चलकर कीमतों में जो है वो उठाव बन सकता है। जी रूपा जी, मसालों में आपको क्या लग रहा है? मसालों में देख रहे हैं कि एक सुस्ती सी छाई हुई है एक अच्छी तेजी के बाद। देखिए, मसालों में फिलहाल गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है, शॉर्ट टर्म गिरावट है ये भी। आगे चलकर मसालों में भी देखिए फंडामेंटल बाजार सपोर्टिव है। अभी थोड़ा सा जो जिस तरीके की स्थिति है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से, आप देखेंगे सभी एग्री कमोडिटीज के ऊपर दबाव आता हुआ हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है और अभी भी मार्केट उसी हिसाब से सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर का माहौल है कि एक्सपोर्ट जो है वो हैम्पर होते हुए दिखाई दे सकते हैं रूस और यूक्रेन के विवादों के चलते, क्योंकि रूस काफी ज्यादा कॉमोडिटीज के अंदर जो है एक्सपोर्ट करता है, तो इस वजह से एक्सपेक्टेड है कि एक्सपोर्ट जो है वो इम्पैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। इसलिए बाजारों में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन फंडामेंटली देखा जाए तो मसालों में धनिया और जीरा काफी पॉजिटिव है। अभी बाजारों में आज हल्की करेक्शन जरूर देखने को मिल रही है, जीरा भी ऊपरी स्तरों से एक बार फिर से लुढ़क आया है 31,000 के नीचे, लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल भी देख रहे हैं कि अभी भी उसी सस्ती के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है 3100 के ऊपर। रूपा जी देख रहे हैं बिनौला खल की जो तेजी है जो 3500 या 4000 के बीच में बताई जा रही थी, अब वो कहीं ना कहीं खो चुकी है, तो आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल अब ऐसे ही सुस्ती के साथ ट्रेड करेगा और क्या बिनौला खल में यहाँ से अभी इस करेक्शन इस रेंज के बाद क्या एक करेक्शन भी मुमकिन है? देखिए, अब करेक्शन ही एक्सपेक्टेड है, मुझे बिनौला खल में अभी यहाँ से तेजी नहीं दिखाई देती है। मेरे हिसाब से मैंने पहले भी बताया था कि ये एक रेंज बाउंड है, 3000 से लेकर 3200 के बीच में फिलहाल इसमें ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है। रूपा जी कैस्टर पर क्या व्यू रहेगा आपका, देख रहे हैं कि अभी भी 7200 के ऊपर सस्टेन है? देखिए, कैस्टर टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, 7200 के ऊपर सस्टेन है तो 7500 तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि जो यूएस सोयाबीन की जो पैराई है उसमें गिरावट आई है और सोया ऑयल वहाँ पर जो पहले अच्छा खासा प्रोडक्शन बताया जा रहा था अभी भी ठीक ही है, लेकिन पैराई में थोड़ी गिरावट आई है और हम देख रहे हैं शिकागो एक्सचेंज में भी सोयाबीन में पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से गिरावट ही देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इसका असर भारतीय बाजार पर कितना देखने को मिल सकता है और क्या अब यहाँ से भारतीय सोयाबीन की कीमतों में भी अभी और तेजी आ सकती है क्या? देखिए, थोड़ा बहुत सुधार जो है वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि आयातित तेल के मुकाबले देशी तेल सस्ते होने की वजह से मांग बढ़ने के कारण भी एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा उठाव जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल हम देखें तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण सूरजमुखी के तेल की जो आवक है वो काफी घटी है और उस तेल की अभी सप्लाई जो है वो फिलहाल अर्जेंटीना से होती हुई दिखाई गई है और अर्जेंटीना में सूरजमुखी तेल का दाम जो है वो बढ़ा है और वो $2300 के पार चुका है, तो कहीं ना कहीं भी जो प्राइजेज हैं
वो एक सपोर्ट लेते हुए आगे चलकर दिखाई दे सकते हैं। नो डाउट अभी पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा है सरसों तेल की कीमतों में भी दबाव आया है, सोयाबीन में भी दबाव आया है और खल भी सस्ती हुई है। पिछले 3-4 दिनों में हम देख रहे हैं कि सभी एक्सचेंजेस के ऊपर, शिकागो के ऊपर भी बाजारों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये गिरावट छुटमुट हो सकती है और आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि बाजार तेजी में बने रह सकते हैं। जी रूपा जी, कॉटन में क्या लगता है आपको? पहले तो ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही थी कि जो चाइना है कॉटन का स्टॉक कर रहा है और इंडिया में भी कॉटन का प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है। CAI ने भी अपने कॉटन एस्टिमेट में भी फिर से कटौती की है, लेकिन अब देख रहे हैं कि चाइना में जो एक बार फिर से कोरोना के जो केसेस निकल के सामने आए हैं, तो उसका असर क्या कहीं ना कहीं कॉटन की कीमतों पर पड़ सकता है? क्या कॉटन एक बार फिर से लुढ़क सकती है? देखिए, मुझे तो कॉटन में वैसे भी एक्सपेक्टेड था कि डाउनसाइड जो है वो बना रह सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी कॉटन की जो प्रोडक्शन है देखिए वो जरूर कम हुई है, लेकिन आप देखिए अब प्राइसेस जो है यहाँ पर आकर स्थिर हो गए हैं, कंसोलिडेट हो चुके हैं और अभी मुझे लगता है कि जो कीमतें हैं वो यहीं पर स्टेबल रहेंगी। पिछले 2 महीने पहले हमने देखा था कि 11,000 रुपए क्विंटल पर भी कपास के दाम पहुंचे थे और अब जो है अब जाकर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नो डाउट कपास की मांग काफी अधिक है, लेकिन प्रोडक्शन उसके कंपैरिजन में काफी कम है और अभी भी देखें तो प्राइसेस जो है 8,000 से 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये भाव स्थिर है और आगे यूक्रेन और रशिया युद्ध के कारण अगर परिस्थिति पड़ती है या कुछ होता है तो जाकर हो सकता है कि कपास के दामों को थोड़ा सा इजाफा आता हुआ दिखाई दे, अदरवाइज कोई और ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से कीमतों को बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। अभी जो प्राइजेस देखने को मिल रहे हैं 8 से 10 हजार हैं और जो हल्की क्वालिटी की कपास है वो 7 से 8 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल रही है, तो अब इस कपास के दामों में कब तेजी आएगी ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अगर रूस यूक्रेन की क्राइसिस बढ़ते हैं तब जाकर हो सकता है कि कपास की कीमतों को भी एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा स्थिति के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर शुगर की, तो शुगर में खबर निकल के सामने आई है कि 2021-22 में इंडिया का जो शुगर का जो एक्सपोर्ट है वो 7.5 मिलियन टन रह सकता है और जो प्रोडक्शन है वो 33.3 मिलियन टन के आसपास की संभावना बताई जा रही है 2021-22 के सीज़न के लिए। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इन खबरों से, इन आंकड़ों से चीनी की कीमतों पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, छुटमुट हो सकता है आपको तेजी देखने को मिले, क्योंकि अभी हमने भी कुछ एक देखा है कि एक्सपोर्ट्स जो है एक्सपेक्टेड है कि ग्लोबली थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ सकता है और दूसरा रुपए में वीकनेस की वजह से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कुछ एक प्राइजेस को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल बनती दिखाई नहीं दे रही है। जी रूपा जी, खाद्य तेलों क्यों में क्या राय रहेगी, क्योंकि अब देख रहे हैं कि सरसों की जो कटाई है वो लगातार जारी ही है और फिर से कुछ 1-8 महीने के अंदर अंदर सरसों तेल की जो सप्लाई है मार्केट के अंदर पूर्ण रूप से अच्छी तरह से होने लगेगी, तो आपको क्या लगता है सूरजमुखी तेल की जो वहाँ से रशिया और यूक्रेन से जो इंपोर्ट रुका हुआ है, तो वो उस खपत को पूरा करने के लिए सोयाबीन और सरसों या और अन्य खाद्य तेल क्या इसको इस खपत को पूरा कर पाएंगे और क्या खाद्य तेलों के दाम आगे जाके कुछ नरम हो पाएंगे? देखिए, अभी जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो अभी सूरजमुखी तेल के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि इस युद्ध के चलते ऑलमोस्ट जो है इंपोर्ट जो है वो बंद हो चुका है सूरजमुखी तेल का। और आप देखेंगे हाजिर मंडियों के अंदर तेल की कीमतों में जो कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो उसमें लगभग 100 रुपए प्रति 15 किलो के कंटेनर के ऊपर तेजी देखने को मिली है। नो डाउट बाजार में अभी भी तेल की कमी है और आयात पूरी तरह से बंद हो गया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि आगे चलकर कीमतों में तेजी बन सकती है और सूरजमुखी के तेल की कीमतों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत में सूरजमुखी का तेल मेन जो है वो यूक्रेन और रूस की तरफ से इंपोर्ट किया जाता है, वहां से इंपोर्ट होकर आता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर युद्ध की स्थिति और ज्यादा गहराती है, अगर यहाँ पर शांति नहीं बनती है, तो फिर से कीमतों को जो है वो तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। अदरवाइज अगर कुछ ईज ऑफ हो जाता है तो फिर कीमतें स्टेबल होती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखिए, अब सारा दारोमदार जो है ग्लोबल अनसर्टिनिटी के ऊपर टिका हुआ है, आगे चलकर
जंग कैसी इनकी जंग जारी रहेगी या उसके ऊपर जंग जो है वो बंद हो जाएगी, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। काफी देख रहे हैं हम मंडियों के अंदर अभी खाद्य तेल का स्टॉक भी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि आगे लोगों को ये डर का माहौल हो चुका है कि हो सकता है आगे चलकर खाद्य तेलों की अवेलेबिलिटी ना हो, क्योंकि नो डाउट अभी सप्लाई जो है इशू वो कंसर्न बना हुआ है और डिमांड अब थावी है। अब सब कुछ डिपेंड करेगा रूस और यूक्रेन की स्थिति के ऊपर। अगर उसमें शांति का प्रस्ताव आता है और स्थितियां संभलती हैं तो फिर कीमतें जो है वो स्टेबल हो जाएंगी, अदरवाइज यहाँ से वापसी से सभी बाजार जो है वो तेजी की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी रूपा जी, चने की बात करें यहाँ से तो देख रहे हैं कि होली का त्यौहार है लेकिन चने का बाजार सुस्त पड़ा हुआ है। अक्सर हम पहले देखा करते थे कि कोई भी त्यौहार आए, चाहे दिवाली हो, होली हो, कुछ भी किसी भी तरह का माहौल हो, चने की जो कीमतें हैं उनमें तेजी आती थी, लेकिन इस बार देख रहे हैं कि MSP पर भी बिकना मुश्किल हो पा रहा है। मंडियों बाजारों में इतना उठाव नहीं देखने को मिल रहा है चने का, हालांकि जो उत्पादन है पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर ही बताया जा रहा है, सरकार के आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन उठाव नहीं हो रहा है, खपत भी उतनी की उतनी है। तो रूपा जी, ऐसे में आपको क्या लगता है, चने का बाजार क्या आगे भी ऐसे ही सुस्त बना रहेगा, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में तो सुस्त है, तो क्या आगे चलकर और सुस्ती देखने को मिलेगी? देखिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि दालों में तेजी नहीं है। मैंने तो अखिलेश हम लगातार यही डिस्कस कर, जब भी हमने दालों पर बात की है मैंने यही बताया कि दालों में अभी फिलहाल कहीं से कोई तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, चाहे वो चना हो, उड़द हो, बल्कि आगे चलकर अभी मुझे लगता है कि और ज्यादा दबाव दालों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से फिलहाल के लिए दालों में बाइंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस जो अभी की स्थिति है उसके चलते नहीं लग रहा है कि कोई आगे चलकर तेजी बनती हुई दिखाई दे। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देने चाहेंगी आज आप एग्री कम्युनिटीज के लिए? देखिए अगर आज एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर ही निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए। ग्वार के साथ साथ जीरे में भी निचले स्तरों पर बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना हुआ है मार्केट MCV पर। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।